उत्तराखंड कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या होगा खास? गोवा में कसीनो को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान? अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को कांग्रेस ने क्यों दिया वॉकओवर? चुनाव प्रचार करने गए पूर्व केंद्रीय मंत्री का ग्रामीणों ने क्यों किया विरोध? चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तराखंड कांग्रेस आज विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। ये घोषणा पत्र कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून में जारी करेंगी। इस मौके पर प्रियंका के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल भी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रियंका एक वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को वॉकओवर दे दिया है। शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जबकि अखिलेश की करहल सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करने के बाद उसे नामांकन करने से रोक दिया। कांग्रेस के इस तरह से चाचा भतीजे को वॉकओवर देने से सियासी गलियारे में हलचल है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जसवंत नगर सीट से बड़ी जीत का दावा किया है, जबकि अखिलेश यादव की करहल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार एसपी बघेल की जमानत जब्त होने की बात कही है। मैं इतना जानता हूँ 10 तारीख के बाद में उनको आकर के पूछ लेना कितना वोट मिला है, इनकी जमानत नहीं बचेगी। यूपी के लिए आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर से लाल बच्चन धोबी को मैदान में उतारा है। केजरीवाल की पार्टी अब तक 324 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। चुनाव में उम्मीदवार एक दूसरे पर वार करने के लिए जाति और धर्म को भी हथियार बनाने से नहीं चूक रहे। यूपी में मेरठ की शहर विधानसभा सीट से एसपी के विधायक और उम्मीदवार रफीक अंसारी ने एक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए मेरठ में हिंदू गर्दी फैलाने का आरोप लगाया। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं, ये तो अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद महेश शर्मा का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। महेश शर्मा सिकंदराबाद सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लक्ष्मी राज के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन इलाके के नाराज लोगों ने महेश शर्मा को घेर लिया। गाँव वालों ने इन नेताओं को काले झंडे दिखाए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब में 20 फरवरी से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अटारी जिले के महावा गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रहे हैं। हालात ये है कि गांव वालों को शहर जाने के लिए 70 साल पुराने 8 फुट चौड़े पुल से होकर गुजरना होता है। यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि नेता सिर्फ वादे करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हरिद्वार, चमोली के साथ पुरोला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। पुरोला सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दुर्गेश लाल के लिए प्रचार करते हुए सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गोवा चुनाव में कसीनो के मुद्दे पर घमासान तेज है। कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने कहा कि बीजेपी कसीनो के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। 10 साल पहले बीजेपी ने मांडवी नदी से हटाकर कसीनो समंदर में शिफ्ट करने का वादा किया था। यही वजह है कि कांग्रेस कसीनो को मुद्दा बना रही है।